हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार, भारत में पानी पर चलने वाली मेट्रो को देखकर पाकिस्तानियों की उड़ गई रातों की नींद। क्या बोल रहे हो? पानी के ऊपर मेट्रो। हाँ, मेट्रो तो यार ऐसे में हमने देखी हुई है, रोड में चलती है, पानी में कैसे? और वो ट्रेन होती है, ये पानी में कैसे चला रहे हैं? और ये तो भारत ने लॉन्च की थी पानी के नीचे, ये पानी के ऊपर कहाँ से चल रही है? हाँ ना यार, ये तो मैं कोई, अब ये तो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा, बिल्कुल इसके बारे में आइडिया लगेगा। ये कड़ों करते हैं स्टार्ट। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में आपने मेट्रो की सवारी जरूर की होगी, लेकिन आज हम आपको लाए हैं ऐसा मेट्रो दिखाने जो उन बाकी मेट्रो से अलग है। अच्छा, हम इस समय है केरल के कोच्चि शहर में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन है, हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन, लेकिन ये सामान्य मेट्रो स्टेशन नहीं बल्कि वाटर मेट्रो स्टेशन। कोच्चि में इसी साल अप्रैल में पहला, भारत का पहला या कहिए एशिया के पहले वाटर मेट्रो की शुरुआत है। इसे आसपास के सभी आइलैंड्स को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत में चार स्टेशनों से शुरुआत की गई है, लेकिन आगे चलकर इसे कोच्चि के सभी आइलैंड्स और उन जगहों पर जहाँ पर जेटी और फेरी का इस्तेमाल होता है उनसे जोड़ने की प्लानिंग है। आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन है, और हाईकोर्ट वाटर मेट्रो स्टेशन है, आपको लिखा भी दिख रहा होगा वाटर मेट्रो, कोच्चि वाटर मेट्रो, कोच्चि में पहले से मैं ऐसी चीजें सुनता हूं तो वाटर मेट्रो भी अब इस साल से शुरुआत हो चुकी है। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और मेट्रो से कैसे अलग है, खासियत है। हम वाटर मेट्रो के अंदर आ चुके हैं, ये एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से आपको टिकट लेना होगा। अगर आपको कार्ड बनवाना है तो आप इधर बनवा सकते हैं, और ये जैसे बाकी मेट्रो में एंट्री होता है उसी तरह से यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट है। आपको यहाँ से कार्ड या टोकन दिखाना होगा, फिर आप अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर टोकन ले सकते हैं, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कार्ड मिलेगा। और हमने फाइनली ये कोच्चि मेट्रो का कार्ड बनवा लिया है, और ये सामने गेट है। और अब इसके लिए मुझे टोटल 400 रुपये पे करने पड़े हैं, और मुझे इसमें लगभग 150 रुपये के आसपास इसमें डिपॉजिट मिला है, बाकी इस कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज वगैरह है। अब हम इस कोच्चि मेट्रो का कार्ड लेने के बाद आइए सफर को शुरू करते हैं। ये कुछ कार्ड इस तरह का है, ये एनवेलप दिया है इन लोगों ने, तो आइए अब सफर को शुरू करते हैं। तो ये सिस्टम है कि मतलब वो कार्ड करो तो वो स्कैन करो तो आगे निकलो। ये देख भाई, ये कुछ मेट्रो स्टेशन के अंदर का दृश्य है, और ये इस तरह से मेट्रो स्टेशन, वाटर मेट्रो स्टेशन के अंदर का दृश्य, साथ पानी का नजारे साथ। इस समय हम वाटर मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए हैं, और ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर इंतजार किया जाता है अगर पहली दफा देख रहे हो ये कसम से। और वाटर मेट्रो एरिया की बात करें तो ये है उसका प्लेटफॉर्म, ये आपको इधर से दिख रहा होगा, अभी हम पास से दिखाएंगे। ये है प्लेटफॉर्म जहाँ पर वाटर मेट्रो आती है, और ये उसका वेटिंग एरिया है जहाँ पर हम बैठे। पूरा घुमाइए, इधर घुमाकर दिखाइए। ये कैसे हुआ? ये उसका वेटिंग एरिया है जहाँ पर जब तक मेट्रो नहीं आएगी लगभग तब तक आपको वेट करना होगा। इधर बैठने की कुछ फैसिलिटी है, 15 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद एक वाटर मेट्रो आती है। अभी वाटर मेट्रो आएगी तब हम आपको दिखाएंगे कि वाटर मेट्रो अंदर से कैसे दिखती है और कैसे इसमें यात्रा करते हैं। और ये वो वाटर मेट्रो आ रही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है। ये प्लेटफॉर्म है और ये वाटर मेट्रो जो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है। जब अनाउंसमेंट किया जाए तब आपको इस तरह से लाइन लगाना होता है, क्यू, यानी कि अगर बताया जाए कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है तभी आपको प्लेटफॉर्म पर जाना होता है, और तब इस तरह से क्यू लगाना होता है। मैं तो सोच रहा हूँ, और ये वाटर मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आकर लग रही है। आपको और थोड़ा करीब से दिखाएं तो अच्छा, ये पानी पे तैर रही है, ये आई थिंक कश्ती है, उसको मेट्रो बनाया। और अब हम वाटर मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा वाटर मेट्रो है जाने का, आप देख सकते हैं ऊपर प्लेटफॉर्म के साथ बिल्कुल टच है, देख रास्ता भी बिल्कुल ये वाटर मेट्रो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ऊंची नली बिल्कुल टच, ये इधर डेक है और इधर जो है ये एरिया, ये पूरा एरिया है वाटर मेट्रो का, यहाँ पर हम बैठ सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप जाए तो खड़े भी हो सकते हैं, बट ये एरिया है पूरा वाटर मेट्रो का, अंदर से कुछ ऐसा ये देखो बाबा,
और अब हमारा वाटर मेट्रो चलने को तैयार है। आप देख सकते हैं इधर चार चार सीटिंग है, चार थोड़े आठ, चार 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 ऐसी इस तरह की सीटिंग है। और यहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं, खड़े होकर भी ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर हैंडल लगे हुए हैं और ये कुछ बाहर का सीनिक व्यू है, देख सकते हैं बाहर के कुछ व्यू जैसे दिख रहे हैं यहाँ से। ये हमारा वाटर मेट्रो का सफर शुरू हो चुका है और अभी प्लेटफॉर्म से मेट्रो रवाना हो चुकी है। इस मेट्रो में आपको सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं ये लाइफ जैकेट है, इसको जस्ट ओपन यहाँ से ओपन करके और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए हमारी वाटर मेट्रो चल पड़ी है और ये जो है प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया। ये एरिया जो है पब्लिक के लिए नहीं है, जो मेंटेनेंस और जो ड्राइवर यार्ड है वो देखते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो है हमारा सफर शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो का हाई कोर्ट स्टेशन है। यहाँ पर थोड़ी ज्यादा भीड़ है, इस साइड खाली है लेकिन इस साइड वेटिंग एरिया बहुत ज्यादा है। ये हमारे सामने इधर वाटर मेट्रो खड़ी है जिससे हम लोग वापस आए हैं। ये इधर एक और वाटर मेट्रो खड़ी है। यार भाई साहब अंदर से क्या दिख रही है, ये देखो ये होता है अपने देश को आगे बढ़ाना। बिल्कुल दे यार देखो कि एशिया की सबसे पहली वाटर मेट्रो भाई मोदी जी ने इंडिया में चलाई। ये तो जापान था, चाइना था, रशिया था, उन्होंने आज तक नहीं चला सके। मोदी जी ने अपने देश के अंदर एशिया की सबसे पहली मेट्रो ये पानी वाली चला दी। और कसम से हमें खुद यकीन नहीं आ रहा था क्या आखिर ये कैसी मेट्रो है जो पानी में चलाएंगे। हाँ तुमने नाम लिया है कि पानी वाली मेट्रो। मैं क्या ऐसे तो हमें मेट्रो सब कुछ देखा हुआ है, पानी वाली मेट्रो के ये तो हमने सपने में भी नहीं देखा था। आज देखा तो पानी में मेट्रो चलाएगा। ये मोदी जी ने काम किया कुशी के लिए भाई, पानी में भाई तो मेट्रो चल रही है और अंदर मॉल के स्टेशन बने हुए हैं भाई साहब। पूरा कार्ड देखा उसका, कार्ड सिस्टम है, स्कैन करो आगे जाओ भाई, उसी उस मेट्रो जैसा ही है सबको, स्कैन करो अंदर जाओ वही पे बिल्कुल। और अंदर से क्या खूबसूरत बैठने सीटें साफ सुथरा मॉल, अबे अलग ही कोई मॉल लग रहा था। और इसके लिए स्पेशल अलग अलग स्टेशन बनाए हैं देख। और स्टेशन कितने कमाल के, मैं वही बोलने वाला था, कितने बड़े बड़े स्टेशन थे यार, कमाल से खूबसूरत। अंदर टाइलें लगी हुई है, एक हवादार जगह बनी हुई है। और भाई सोचो कि भाई जब इस मेट्रो के अंदर बंदा बैठता होगा समुंदर के नजारे आते होंगे तो क्या लगता है। ये जो होता है मोदी जी का इस दुनिया में जाके विजिट करना, आज हमें पता लग रहा है कि मोदी जी क्यों जब बाहर के देशों में जाते तो उनकी यार एक चीज जो एडवांस होती है उनसे क्यों पूछ रहे होते हैं। वो इस वजह से पूछ रहे होते हैं कि वो अपने देश के अंदर चलाते हैं और उससे अच्छी चीज लेकर आते हैं। ये लेके आए हैं, ये पता नहीं किधर से उनके दिमाग में आई थी कूची के लिए। यार भाई साहब सोचने वाली बात है ना, एशिया की सबसे पहली, एशिया की सबसे पहली, और किस मुल्क में नहीं है तो इंडिया में है, इंडिया में। और क्या कमाल, और यार क्या मैं मेरे मुंह से भाई उसके लिए वर्ड से वही निकला है जो मैंने वीडियो के अंदर बोला। तो सफर करे इस पे ना, और बंदा बाहर ही ना निकले बाहर। अंदर एलईडियां लगी हुई थी, पीछे अनाउंसमेंट्स हो रही थी, लोग एंजॉय कर रहा था, लोग ट्रैवल कर रहा था। यार क्या करते हैं मोदी जी यार अपने देश के लिए। हमारा यार पाकिस्तानियों शर्म करो, देखो जरा सा देख लो उधर भी, हो यार आंखें खोल लो, पाकिस्तानी मीडिया बता दो ये चीजें इधर भी लोगों को, ताकि कुछ तो असलियत पता लगे उनको भी। वजह ये सही चीज नहीं चला सकते तो ये चीज चलाएंगे, ये सही चीज काम नहीं कर सकते। दिल दुखता है यार, और एक तरफ दिल भी खुश होता है कि भारत
आज वाक्य में इस दुनिया का किंग बन रहा है हर फील्ड के अंदर। ये देख ना, तो तुम्हारे पास समुद्र में क्या बना दिया है, पानी में मेट्रो, पानी पे चलने वाली, और उसकी कलरिंग कितनी कमाल, डिजाइन कितना कमाल, स्टाफ, वो यार स्टाफ देख, हां स्टाफ भी रखा था सही, प्रोफेशनल, हां प्रोफेशनल। तो यार भाई साहब आपके क्या थॉट है भाई इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।